gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. आज हम फ्रेंड तो Redmi Note 13 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या इंडिया प्राइस होने वाली है, पाकिस्तान में क्या प्राइस होने वाली है और क्या वो मोबाइल आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट भी आपने स्किप नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है Redmi Note 13 Pro का बॉक्स। बॉक्स को अनबॉक्स करने पर सबसे पहले हमें मोबाइल देखने को मिलता है, उसके बाद टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलती है, उसके बाद 67 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है और ब्लैक कलर में मोबाइल का केस देखने को मिलता है। बॉक्स में बस इतनी ही चीजें हैं। तो ये है Redmi 13 Pro का फोन। फोन के रैपर को हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे हम फोन के रैपर को रिमूव करते हैं तो हमारी डिवाइस हमारे सामने आ जाती है। इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे 12 GB रैम, 256 GB रोम और दूसरे नंबर पे 16 GB रैम और 512 GB रोम इसमें देखने को मिलता है। नंबर दो पे हम इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। डिजाइन की बात करें तो फोन का फर्स्ट इंप्रेशन और फील बहुत ही लाइट वेट है और फोन के बाहर स्क्रीन ब्रैकेट भी नहीं दिए गए, जो काफी अच्छी बात है। फोन का डिजाइन फ्लैट होने की वजह से आईफोन फील आती है इसमें। फोन को अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो सबसे पहले 5 वोल्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। डिस्प्ले का अगर हम एज देखें तो कॉर्नर कट आउट के साथ आता है, यानी एजी डिस्प्ले फील होता है, यानी इस डिस्प्ले के कॉर्नर एजी मिलने वाले हैं जिनको टच करने पर काफी स्मूथ फील होता है। और यहाँ पर अगर आप एज देखें तो ऐसे लगता है कि फोन में ब्रैकेट का यूज किया ही नहीं किया है, और अगर आप यहाँ पर एज देखें तो ऐसे लगता है कि फोन के अंदर ब्रैकेट्स का यूज कहीं पर भी नहीं किया। डिस्प्ले इसका इसके फ्रेम के साथ ही अटैच है, और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका प्लास्टिक का है। फ्रेम के अंदर मेटल जैसी शाइनिंग है जिसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे फ्रेम मेटल का हो। फोन के अगर बैक साइड की बात करें तो फोन की बैक साइड बिल्कुल फ्लैट है। फोन के बैक साइड पे आपको स्पेशल पैटर्न देखने को मिलेगा जो फोन का एंगल चेंज करने से काफी रिफ्लेक्ट फील होता है। और जो कलर आप मेरे पास देख रहे हैं इसको कंपनी ने स्टार सेंट व्हाइट कलर का नाम दिया है, जिससे बैक पैनल की लुक और फील काफी अच्छी मिलती है। इस पैटर्न को अगर जरा क्लोज से देखें तो नेचुरल टेक्सचर जैसा लगेगा। फोन में अगर कैमरा मॉड्यूल्स को देखें तो स्टैंडर्ड डिजाइन के साथ कैमराज आते हैं। इसमें आपको दो बड़े कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं, एक छोटा लेंस मिलता है और साथ में आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। कैमरा मॉड्यूल्स स्लाइटली बम्पी हैं, लेकिन अगर मेन कैमरास को देखें तो कुछ ज्यादा ही उठे हुए हैं, यानी कुछ ज्यादा ही ऊपर की तरफ है। फोन में अगर प्लेसमेंट देखें तो सिम कार्ड ट्रे आती है, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं, राइट में वॉल्यूम बटन, पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा, टॉप में आईआर ब्लास्टर, फायरिंग स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन और 3.5 mm का जैक मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। डिजाइन के मामले में देखें तो फोन काफी अच्छा है। नंबर थ्री पर हम इसे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, रेजोल्यूशन 1.5K मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और अगर स्क्रीन के बेजल्स को देखें तो चिन बहुत ही स्लिम और पतली है। डिस्प्ले में आपको 1920 का डिमिंग फीचर मिल जाता है, यानी डिस्प्ले में हाई लेवल का आई प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके डिस्प्ले में आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और मजे की बात यह है कि इस सेगमेंट के किसी भी फोन में आपको इतनी पीक ब्राइटनेस कहीं भी नहीं मिलेगी, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्प्ले आपको फ्लैगशिप लेवल का मिलने वाला है। नंबर चार में परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंटली लॉन्च होने वाला स्नैपड्रैगन जेन 7S प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है, जो 04 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेसर पर बना है। मैक्स पीक 4.2 GHz की मिल जाती है, और अगर हम इसके स्कोर की बात करें तो आपको 5 लाख से ऊपर का स्कोर देखने को मिलता है, जो काफी इंप्रेसिव है। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन जेन 7S का प्रोसेसर होने की वजह से आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप हाई सेटिंग में गेम खेलेंगे तो वो थोड़ी लैग करेगी, लेकिन नॉर्मल सेटिंग में आप अच्छी तरह गेम खेल सकते हैं। नंबर पांच पे अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो रियर फेसिंग डुअल सेटअप कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा 200 MP का सैमसंग सेंसर के साथ मिलता है, जो लार्ज सेंसर साइज के साथ आता है, और यही सेंसर आपको Redmi Note 13 Plus में भी देखने को मिलेगा। दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा। मैंने कुछ पिक्चर इस पे क्लिक किए हैं और जो 200 MP कैमरा की पिक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। बैटरी बैटरी
बैटरी की बात करें तो बैटरी की अगर बात करें तो 5001 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, यानी बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 W का फास्ट चार्जर भी मिलता है आपको, जो PD3 की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो आपका मोबाइल सिर्फ 44 मिनट्स में 0 से 100% तक चार्ज कर देगा। नंबर 6 पर अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये फोन जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, जल्दी आने वाला है, और इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तान में वो आपको 1,18,999 रुपए में देखने को मिलेगी, और इंडिया में अगर इसकी प्राइस देखें तो 17,390 रुपए आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप मेरा फाइनल कंक्लूजन या मेरा ओपिनियन पूछें तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी है परफॉर्मेंस, बैटरी बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत ही बेटर है, कैमरा रिजल्ट भी ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी एवरेज होने वाली है। और पाकिस्तान में परचेज करने वाले लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि अगर 1,18,000 या 19,000 में ये डिवाइस आपको देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा महंगी है। मेरे हिसाब से इन स्पेसिफिकेशन में मैक्सिमम प्राइस 70,000 to 80,000 होनी चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप 1,18,000 और 20,000 तक जाते हैं तो आपको फ्लैगशिप लेवल की बेहतरीन डिवाइस इससे अच्छी मिल सकती है। और इंडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से इंडिया में 17-18,000 में इस स्पेसिफिकेशन की डिवाइस बिल्कुल सही है, यानी इंडिया के लोग आराम से ये ले सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इतनी हाई प्राइस में ये फोन लें, लेकिन फोन बहुत अच्छा है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें, और जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और इस फोन के बारे में आपको क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।